साबूदाना की जरूरत है, दो टमाटर बारीक कटा हुआ, दो आलू कटा हुआ बारीक, दो हरी मिर्च, जीरा और मरीच का पाउडर, ये है शेंधा नमक जो कि व्रत में खाना है, आप नॉर्मल नमक भी यूज कर सकते हैं जब ऐसे ही खाना हो, ये कटा हुआ धनिया, ये है पीनट्स यानी कि मूंगफली की दरदरी पेस्ट, ये रोस्टेड मूंगफली की पेस्ट है, लेकिन इसको दरदरी करनी है, और साबूदाने को हम 45 मिनट तक भिगो के रखेंगे, और चूंकि मेरे पास टाइम कम है तो इसको हम मैंने भिगो के रखा है, इसको 45 मिनट तक भिगो के और फिर इसकी पानी को स्ट्रेनर में डाल के छान देना है, छान के फिर इसको 6 से 7 घंटे तक के लिए उसको ऐसे ही छोड़ देना है, ये मैंने पहले से ही करके रखा हुआ है, 6 से 7 घंटे तक इसको इसकी पानी को छान देना है और फिर इसको 6 से 7 घंटे के लिए रख देना है, और फिर हमें ये मूंगफली का दरदरी फूटी हुई पेस्ट डालना है इसमें और इसे हमें चलाना है। ये देखिए 100 ग्राम साबूदाने में 100 ग्राम मूंगफली रोस्टेड, इसको बारीक नहीं पीसना है, इसको हल्का दरदरा पीस के और उसमें मिक्स कर लेना है, फिर हम कढ़ाई में घी डालेंगे, सबसे पहले इसमें हम जीरा डालेंगे, हरी मिर्च, कटे हुए आलू, आलू जब तक फ्राई होता है तब तक हम इसे ढक देते हैं, आलू फ्राई हो गया है हम इसमें डालेंगे, टमाटर, टमाटर डाल चुका है, हम इसमें मिला देंगे साबूदाना, मिला हुआ देखिए, ये देखिए कितना खिला खिला, बस थोड़ी मिनट स्टर करेंगे, हमारा साबूदाना खिचड़ी बनके तैयार। साबूदाने खिचड़ी में 1 चम्मच देसी घी डाल देने से शुद्ध तो हो ही जाता है पर टेस्ट भी अलग आता है। अब इसको 2 मिनट तक स्टर करिए, खिला खिला साबूदाने खिचड़ी तैयार, ऊपर थोड़ा घी की पत्ती डालेंगे, ये देखिए हमारा साबूदाना खिला खिला बिल्कुल तैयार है। अब इसके हम करेंगे गार्निशिंग धनिया की पत्ती से, ये मैंने अपनी माँ के लिए बनाया है क्योंकि मेरी मम्मी आज व्रत है, आपके घर भी कोई व्रत हो तो आप बना सकते हैं। अब ये तो मैं अपनी प्लेट मम्मी को देने जा रही हूँ, अपने घर देना होगा तो आप ज़रूर बनाइए।